हे हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही सिंपल है। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे माइक्रोवेव में केक बनाया था एंड इट वाज लाइक 10 मिनट्स का काम था। आज का भी मैं वीडियो सेम ही बना रही हूँ, केक कैसे बनाते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ाई में केक कैसे बनाया जाता है। बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि वी वॉन्ट टू नो, हमारे पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो हम कैसे केक बना सकते हैं। सो एज मैंने अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था कि यू कैन मेक इट लाइक, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सो आज चलिए देखते हैं कढ़ाई में हम केक कैसे बनाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लाइक माइक्रोवेव में वो 7 से 8 मिनट में बन जाता है इजीली, मींस हार्डली 5 to 8 मिनट्स लगते हैं। बट यस, कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, 35 to 40 मिनट्स लगते हैं। सो मुझे ऑलमोस्ट 35 मिनट्स लगे थे। सो लेट्स सी कैसे बनता है कढ़ाई में केक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होप इस केक को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 ब्रिटानिया के बिस्किट, 1 ओरियो बिस्किट, 1 इनो एंड मिल्क। आगे मैंने बिस्किट्स को खोल दिया है, जितने भी ब्रिटानिया के बिस्किट्स हैं। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, इसका क्रीम अलग कर रही हूँ एंड बिस्किट्स को अलग कर रही हूँ। सो इससे क्या होगा, मैं जितना भी ये क्रीम एक तरफ आ जाएगा, मैं इसका इसमें हॉट मिल्क डाल के इसका चॉकलेट क्रीम बना दूंगी। एंड इसके बाद मैंने बिस्किट्स को मिक्सी में डाल दिया है एंड मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी। और जितना बारीक पाउडर आप बना सकते हैं आपको इसका बनाना है, कोई भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। उसे थोड़ा सा क्या होता है कि लाइक वो थोड़ा टाइम लेता है घुलने में। मैंने इसमें थोड़ी शुगर ऐड कर ली है और शुगर ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। सो यहाँ पर मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, आपको इसे अच्छे से हिलाना है एंड कोशिश कीजिएगा इसे एक डायरेक्शन में ही आप हिलाएं अच्छे से। देन आपको दूध को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहना है, क्योंकि एक साथ आप सारा दूध नहीं डालेंगे और अपने हिसाब से आप दूध डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा बड़ा ग्लास दूध का लिया है बिकॉज मैंने यहाँ पर 2 पैकेट बिस्किट यूज किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है, जिस बर्तन में मैं ये केक बेक करने वाली हूँ उसमें मैंने अच्छे से घी लगा दिया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने पूरे बर्तन पर मैदा छिड़क दिया है। सो मैदा छिड़कने से क्या होगा, वो चिपकेगा नहीं। Now it's time to put इनो। अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे एंड अभी मेक श्योर करना है कि आप इसको एक ही डायरेक्शन में हिलाएंगे और घुमाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, मैंने उसे 15 मिनट पहले गर्म कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा था। सो इसके बाद मैंने इसे ढककर रख दिया है। यहाँ पर मेरा बर्तन थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया था, इसके बाद मैंने इसे दूसरे सेम बर्तन में डाला है जो कि छोटा साइज में था। एंड यहाँ पर जो हमने क्रीम अलग से निकाला था उसमें मैंने गरम दूध डाल दिया है, इससे आसानी से चॉकलेट क्रीम हमारा बन जाएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं उसे केक की डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आपको बस इसे अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा केक भी ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने टूथपिक से उसे चेक कर लिया है। सो ऑलमोस्ट मुझे 35 मिनट्स के आसपास लगा है टाइम। एंड अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ओरियो बिस्किट एंड हमारा चॉकलेट क्रीम जो हमने मिल्क से तैयार किया है। मैंने ओरियो बिस्किट को खोलकर उसकी वाइट क्रीम निकाल ली है जस्ट फॉर डेकोरेशन एंड बिस्किट के 1-2 टुकड़े मैं यहाँ यूज़ करूँगी। मेरा केक ठंडा हो चुका है, अब मैंने केक को उल्टा करा है और इस तरह से मैंने इसे निकाला है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पर मैंने अपना चॉकलेट मिल्क गिरा दिया है पूरा का पूरा केक पर। अब अच्छे से आप इसे स्पून की हेल्प से फैला सकते हैं जैसा भी आपको लगे, बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत ही चॉकलेटी और स्पॉन्जी केक बनाना चाह रही थी तो मैंने खूब सारा चॉकलेट मिल्क इसमें डाला है। मिल्क इजीली अंदर तक ऑब्जर्व हो जाता है इसीलिए मैंने मिल्क का यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो ओरियो बिस्किट से मैंने क्रीम निकाली थी वाइट क्रीम, उससे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी भी तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं, आप इसे सिंपल भी सर्व कर सकते हैं, बट चॉइस इज फुली योर्स। अब मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट के जो 2-3 टुकड़े थे वो लिए हैं एंड उन्हें अच्छे से क्रश किया है जस्ट फॉर डेकोरेशन। आप चाहें तो बिस्किट के बड़े बड़े टुकड़े डालकर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बिकॉज ओरियो बिस्किट्स का टेस्ट काफी अच्छा आता है, बहुत ही मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं बेस कितना अच्छा बना है एंड चॉकलेट क्रीम ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट्री की तरह कट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है। अभी केक थोड़ा सा गर्म था
तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब फ्रिज से निकलने के बाद आफ्टर 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है ये केक। और मैंने इसे ट्राई भी किया तो ये बहुत ही यमी था। मुझे लगा था एक बाइट करके मैं छोड़ दूंगी, बट मैं इसे पूरा खा गई। इट वॉज डैम गुड। आगे आप देख सकते हैं बाकी जो पीसेस थे। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर देना चाहती थी इसे, तो मैंने उन्हें बीच से कट किया एंड जो भी चॉकलेट मिल्क था उसे अच्छे से अंदर तक इसमें डाल दिया स्पून की हेल्प से, आप देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह से करने के बाद इसका टेस्ट लाइक आई कैन से चार चांद लग गए थे। सबने हमने मिलकर इसे खाया एंड आप देख सकते हैं ब्रूनो वॉज वेटिंग फॉर हिज पीस, लाइक ब्रूनो ने भी अपने हिस्से का पूरा पीस खाया है। सो या, इट वॉज फन विद फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।